हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर्स के बारे में। फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में उससे रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको आईडी बना के दिखाई है जहाँ पे हमें क्रेडिट दी जाती है। फ्लिपकार्ट जो है हमारी शॉपिंग डिटेल्स देखकर यानी हमारे अकाउंट में पूरी डिटेल्स चेक करता है। इसके बाद से जो है फ्लिपकार्ट जो है हमें शॉपिंग के लिए जो है कुछ पैसे देता है, जो कुछ क्रेडिट देता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम उस पैसे से जो है शॉपिंग कर सकते हैं और उस पैसे को जो है हम अगले महीने जो है फ्लिपकार्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस मैंने आपको फुल डिटेल्स में पिछली वीडियो में बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग करते हैं तो उस पैसे को जो है आप फ्लिपकार्ट को फिर से रिटर्न कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर की पैसे को जो है हम लोग फ्लिपकार्ट को रिटर्न कैसे कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले जो आपको अपना फ्लिपकार्ट ओपन करना है, आप अपना फ्लिपकार्ट की आईडी ओपन कर लीजिएगा। आईडी ओपन करने के बाद यहाँ देखिए आपको नीचे में सबसे कॉर्नर पे जो है कार्ट का ऑप्शन दे रहा है, उसमें सेकंड नंबर पर यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, आप उस अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपने अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपकी अकाउंट खुल के जो है सामने चली आएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें क्रेडिट ऑप्शन के बाद जो है यहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक ऑप्शन दे रहा है, हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पे थोड़ी टाइम लगेगी और यहाँ पे जो है आपकी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ पे टोटल अवेलेबल क्रेडिट दे रहा है 33,838। यहाँ पे जो है आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे व्यू यूजेज के ऊपर में क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने जब जब फ्लिपकार्ट पे लेटर की यूज की है यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्स खुल के आ गई है। हम लोग इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे आपको नीचे में क्रेडिट अवेलेबल दे रहा है, यानी अभी करेंट में आपके पास में कितने क्रेडिट अवेलेबल है, टोटल डिटेल्स जो है यहाँ पे खुल के आ गई। और यहाँ देखिए जुलाई ड्यू, यानी दोस्तों अभी जो है अगस्त के महीना चल रही है, और मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था जैसे आपने जुलाई महीने में जितने भी शॉपिंग की है फ्लिपकार्ट पे लेटर से तो उसके जो है अगले महीने जो है यानी अगस्त महीने में जो है 5 तारीख तक उस पैसे को जो है फ्लिपकार्ट को रिटर्न करना पड़ता है। जो ड्यू अमाउंट होता है उसको जो है हमें रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए जुलाई ड्यू दे रहा है 933 और यहाँ पे हमें पे का ऑप्शन दे रहा है, तो चलिए हम लोग इसे पे करेंगे। बट उसके पहले हम लोग और डिटेल चेक कर लेते हैं। अगस्त अनबिल्ड दे रहा है यहाँ पे देखिए 199, यानी हमने अगस्त में भी जो है एक शॉपिंग किया है 199 का, जो हमें जो है सितंबर महीना में जो है उस पेमेंट को देना होगा। अगर आप चाहते हैं तो एक साथ में दे भी सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप जो है अगले महीना उसको दे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग पहले व्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर में क्लिक करके ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं कि हमने कब कब शॉपिंग किया था उससे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 933 का जो है हमें पेमेंट करना है ड्यू बाई अगस्त 5, यानी आपको जो है अगले महीना, आप अगर जैसे मान लीजिए जनवरी महीना में शॉपिंग किए हैं तो आपको 5 फरवरी को जो है उस पैसे को जो है फ्लिपकार्ट को देना होता है, वरना 5 तारीख के बाद जो है आप में थोड़ी सी पेनाल्टी लग जाती है, जिस पेनाल्टी को आपको जो है चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 5 तारीख तक जो है आप उस पैसे को जो है फ्लिपकार्ट को जमा कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में डिटेल्स भी दे रही है कि कब कब आपने शॉपिंग किया है, आप यहाँ पर फुल डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। फुल डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पे जो है अब समय आता है पेमेंट करने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से आ गए। यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन आपने देख लिया, अगस्त अनबिल्ड भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर में क्लिक करके जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप जो भी शॉपिंग फ्लिपकार्ट पे लेटर से कीजिएगा टोटल डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको खुल के चली आएगी। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जो है इस पेमेंट को जो है पे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अवेलेबल क्रेडिट दे रहा है, यहाँ पे हमें जो है 35,000 का क्रेडिट मिला था। आपको जो है कुछ अलग मिलेगा, आपको शॉपिंग डिटेल्स चेक किया जाएगा, आपका फ्लिपकार्ट से मेल मिलाप चेक किया जाएगा, आप कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, उस पेमेंट को आप कैसे करते हैं, उस तरीके से जो है फ्लिपकार्ट जो है आपको क्रेडिट देती है। तो आप जो है इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, इसके बाद से जो है आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने लाइन बाई लाइन आपको समझाया है कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पर आप
आईडी कैसे बना सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट से पैसा कैसे मिलेगा, आप फ्री शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री शॉपिंग के बारे में भी डिटेल्स में बताई गई है कि आप जो है फ्लिपकार्ट से फ्री शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग पे के ऑप्शन पे और हम लोग जो है यहाँ पे कर लेते हैं इस पैसे को, क्योंकि आज जो है अगस्त 5 तारीख है तो यह आज लास्ट डेट है ड्यू पेमेंट को जो है जमा करने का। तो चलिए हम लोग पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए 933 का आ गया पेंडिंग अमाउंट 4 जुलाई। हम लोग पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जो है हमारे सामने नया पेज खुल के आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको बहुत सारी पेमेंट मेथड दी जाएगी, आप किसी भी पेमेंट मेथड से जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोनपे है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप किसी भी तरीका से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फ़ोनपे से जो है पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोनपे UPI आ गया, 933 आ गया। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे सामने जो है फ़ोनपे पे जो है एक नोटिफिकेशन चली आएगी। तो चलिए हम लोग अपना फ़ोनपे को जो है ओपन कर लेते हैं। चलिए हम लोग फ़ोनपे पे चलते हैं और फ़ोनपे को जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है पेमेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है। यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट आई हुई है। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है 933 का जो रिक्वेस्ट आया हुआ है। आप यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप जिस भी अकाउंट से पैसा कटवाना चाहते हैं आप यहाँ पे कटवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। जैसे हम लोग पे करेंगे, यहाँ पे आप अपना UPI ID वगैरह डाल के जो है उस पेमेंट को जो है कटवा लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारा पेमेंट जो है सक्सेस हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिर से फ्लिपकार्ट के पेज पर। यहाँ पे दोस्तों आ गए हम लोग फ्लिपकार्ट के पेज पर। यहाँ पे देखिए ये रीडायरेक्टिंग होगा और रीडायरेक्टिंग होने के बाद जो है हमारा फिर से जो है यहाँ पे देखिए वी हैव रिसीव योर पेमेंट ओके कर देते हैं। और यहाँ देखिए हमारा जो है पेमेंट प्रोसीड कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ देखिए जुलाई का जहाँ पे हमें ड्यू पेमेंट दे रहा था अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब जो है हमें अगस्त का अनबिल्ड 199 पेमेंट दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इस पेमेंट को भी जो है तुरंत आप कर सकते हैं, वरना आपको फिर से टाइम दिया जाएगा अगले महीना। आपको सितंबर महीना में जो है आपका फिर से जो बिल बन के तैयार हो जाएगा और आपको जो है ईमेल के थ्रू जो है फ्लिपकार्ट जो है आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, या फ्लिपकार्ट पर भी जो है आपका नोटिफिकेशन आता रहता है पेमेंट करने का। मान लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता है, ईमेल पे चेक करते रहिएगा, आपको ईमेल पे जो है फ्लिपकार्ट पेमेंट की जो है रसीद भेजते रहती है, पेमेंट की बिल आपको भेजते रहती है। तो आप यहाँ पे देखिए पे का ऑप्शन दे रहा है, अगर आप चाहते हैं तो पेमेंट कीजिए, वरना आप वेट कीजिए, आप सितंबर महीना में जो है इसको पेमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको वहाँ पे शॉपिंग की पूरी डिटेल्स दी गई है। आप वहाँ पे शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से पेमेंट कैसे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट की आईडी कैसे बना सकते हैं, मैं उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके जो है उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, या आपको एंड स्क्रीन में भी जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी, आप वहाँ पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फिर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।